भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीनियर मेंस टीम के हेड कोच पद के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। फिलहाल टीम इंडिया के हेड कोच के पद की जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ संभाल रहे हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद खत्म होने जा रहा है। ऐसे में BCCI ने टीम इंडिया के हेड कोच के पद के लिए आवेदन मांगे हैं, लेकिन BCCI ने टीम इंडिया के हेड कोच बनने के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। चलिए उन पर भी नजर डालेंगे। नए हेड कोच का कार्यकाल 3.5 साल का होगा। नया कोच 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2027 तक ये जिम्मेदारी संभालेगा, यानी कि यह कार्यकाल वनडे वर्ल्ड कप 2027 के बाद समाप्त होगा। हेड कोच पद के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 मई रखी गई है। BCCI ने विज्ञापन में कुछ शर्तों का जिक्र किया है और बताया है कि हेड कोच बनने के लिए अप्लाई आप क्या करने पर कर सकते हैं। BCCI के मुताबिक हेड कोच बनने के लिए कैंडिडेट कम से कम 30 टेस्ट मैच या फिर 50 वनडे मैच खेला हुआ होना चाहिए, या कैंडिडेट के पास कम से कम 2 साल तक किसी फुल मेंबर टेस्ट खेलने वाले देश का हेड कोच बनने का अनुभव या एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट किसी एसोसिएट मेंबर टीम या फिर किसी IPL टीम या फिर किसी ऐसी ही लीग या फर्स्ट क्लास टीम या फिर किसी भी देश की ए टीम का 3 साल तक कोच रहा हो। इसके अलावा BCCI के कोचिंग का Level 3 सर्टिफिकेट होल्डर भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन कैंडिडेट की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेड कोच राहुल द्रविड़ को बतौर फीस करीब 10 करोड़ रुपए सालाना मिल रहे हैं। वहीं नए हेड कोच की सैलरी अभी फिक्स नहीं हुई है। BCCI ने बताया है कि इस बार वो कैंडिडेट से नेगोशिएशंस भी करेंगे और अनुभव के आधार पर ही सैलरी तय होगी। बता दें कि राहुल द्रविड़ ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद से ही रवि शास्त्री की जगह ली थी। उनका 2 साल का कार्यकाल वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद खत्म हो गया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 को ध्यान में रखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। हालांकि वो अभी भी हेड कोच बनने के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं और इंडियन फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई राहुल द्रविड़ एक बार फिर से अप्लाई करें और वही 2027 तक भारतीय टीम के कोच रहे। हालांकि ऐसा होता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है राहुल द्रविड़ के अपने मेंटल स्टेट पे भी, क्या वो इस हालत में है कि 2027 तक कोच के पद का कार्यभार वो संभाल पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए Sports9। मेरा नाम है आयुष मिश्रा, नमस्कार।